हाँ, फर्स्ट ईयर आज हम साइनोबैक्टीरिया के ही एक छोटे छोटे दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पूरक वर्णकता अनुकूलन या कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टेशन, इसको गैडोकोव प्रभाव भी बोलते हैं क्योंकि गैडोकोव ने इसको सबसे पहले खोज किया था। इसकी ये प्रभाव साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें गैडोकोव ने देखा कि अगर जो साइनोबैक्टीरिया पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उनका अगर वेवलेंथ बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके अनुरूप जो साइनोबैक्टीरिया के तंतु हैं उनके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए होते हैं, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, फाइकोसाइनिन सी होता है और मिक्सोजांथोफिल्स होते हैं। एलो फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोएरिथ्रिन होता है, मिक्सोजांथिन होता है। फाइकोसाइनिन इसमें ज़्यादा होता है, जनरली सी फाइकोसाइनिन। तो इसके कारण से ही हम इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, साइनोफाइसिन ब्लूइश कलर का, और क्लोरोफिल के साथ में ब्लूइश मिल करके नीला हरा सा रंग देता है ये। इसलिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको पहले कहा जाता था, अभी हम इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ना अगर हम देखें तो ऑसिलेटोरिया में देखा गया, ये फॉर्मिडियम में भी देखा गया कि रंग का परिवर्तन होता है। अगर आप लाइट डालते हैं एक प्रकार की तो उसके अकॉर्डिंगली रंग में फिलामेंट के तंतुओं में परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों प्रजातियों में, स्पीशीज़ में, रेडिश कलर आ जाता है अगर आप ग्रीन लाइट डालते हैं, ब्राउनिश ग्रीनिश कलर आएगा अगर आप रेड लाइट देंगे, ब्लू ग्रीन कलर आएगा अगर आप येलो लाइट देते हैं, और अगर ब्लू ग्रीन लाइट देते हैं तो येलोइश कलर आता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर डेवलप कर लेते हैं फिलामेंट्स। तेज़ रोशनी में ब्लूइश ग्रीन कलर जो है फॉर्म होता है, लेकिन अगर डिम लाइट हो तो रेडिश टिंज होता है। तो जब तेज़ लाइट हम देते हैं तो फाइकोसाइनिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब डिम लाइट होती है तो फाइकोएरिथ्रिन की अधिकता हो जाती है। शिंडर ने 1913 में बताया कि ब्राइट लाइट में खनिज असंतुलन हो जाता है, मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण से नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी पीलापन तंतुओं में आ जाता है। अब रंग परिवर्तन कुछ कारणों से हो सकता है, उसमें एक तो है कि इनमें जो वर्णक होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, वर्णक का जो मात्रा होती है पिगमेंट्स की उनकी कॉन्सेंट्रेशन बदल जाती है, इसकी वजह से रंग में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, प्रकाश का रिफ्रैक्शन करते हैं वो, उसके कारण से भी रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा कारण है कि उसमें जो मिसलेज शीत इनके अंदर पाई जाती है, श्लेष्मी आवरण जो पाया जाता है ये साइनोबैक्टीरिया में, उनके रंग में परिवर्तन, उनके मोटाई में भी परिवर्तन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूकोकेल्स में होता है श्लेष्मी आवरण जो होता है वो अलग अलग रंग का दर्शाता है। डिम लाइट अगर होती है तो वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा चाहिए तो वो कलरलेस हो जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट उसमें फिलामेंट का अंदर की जो लेयर्स हैं वहाँ तक जा सके। और ये होमोजीनियस मिसलेज शीत आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर बहुत ब्राइट लाइट हम देते हैं इनके ऊपर तो ये कलर्ड हो जाता है, रंगीन हो जाता है, येलो ब्राउन या रेडिश ब्राउन या पर्पलिश कलर का हो जाता है। इसमें पटलिकाएँ, लैमिली डेवलप हो जाते हैं, और जो कि लाइट की तेज़ इंटेंसिटी को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो शीट है, मिसलित शीट है, ये एक तरह से स्क्रीन का या पर्दे का काम करती है। जैसे हमारा क्या होता है, अगर हम लोग कमरे में रह रहे हैं और अगर बहुत तेज़ रोशनी आ रही है तो हम डार्क कलर के कर्टेंस लगा देते हैं तो कंपैरेटिवली रोशनी कम हो जाती है, या वैसे भी पर्दा डाल देते हैं तो रोशनी कम हो जाती है, और अगर कम लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, कमरे में से पर्दे हटा देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्राइट लाइट जब होती है तो ये इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं और फाइब्रिलर सा वो डेवलप हो जाता है इसके अंदर, और वो स्क्रीन की जैसे काम करते हैं। लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तब ड्राई पीरियड में भी ये मिसलेज की शीट जो है वो कलर्ड हो जाती है और पेरिनेशन में मदद करती है। शीबे ने 1972 में बताया था कि टॉलीपोथ्रिक्स नाम का जो साइनोबैक्टीरियम है इसमें फाइटोक्रोम की तरह से पिगमेंट उन्होंने देखा, और उसके जो फाइटोक्रोम में एब्जॉर्प्शन पीक होता है रेड कलर और फार रेड कलर में। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक पिगमेंट उन्होंने देखा कि जिसके एब्जॉर्प्शन पीक्स जो थे वो ग्रीन और रेड लाइट में थे।
ठीक है। सो कलर चेंज होता है, एक इंटेंसिटी पर ग्रीन होता है, दूसरे पर रेड होता है, तो आपस में इंटरचेंज हो सकता है। इससे रेट जो कलर जो है उसका भी पिगमेंट का सुखाए का कलर भी चेंज हो जाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो क्रोमैटिक अडैप्टेशन है ये प्रकाश का अधिकतम उपयोग के लिए है पॉसिबल। इस तरह से ये लोग ये जो साइनोफाइसिया साइनोबैक्टीरिया हैं ये जो भी उनको कंडीशन अवेलेबल होती है जिस विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में जिसमें रहते हैं, बर्फ़ में भी रहते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, मिट्टी की तलों में भी पाए जाते हैं, चट्टानों के बीच में भी पाए जाते हैं, तो इस तरह से विभिन्न जो इनको परिस्थितियाँ मिलती हैं उसमें जो लाइट उनको मिल पाती है कम ज़्यादा उसके अनुकूलन से वो मैक्सिमम उसको एब्जॉर्ब कर सकें और उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। संभवतः इसका क्रोमैटिक अडैप्टेशन का यही पर्पज़ एक होता है। इसी तरह से एक टॉपिक है वाटर ब्लूम्स। अगर हम वाटर बॉडीज़ में देखें तो ये जो साइनोफाइसियन साइनोबैक्टीरियन जो विभिन्न तरह की प्रजातियां हैं उनका वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाने से जो पानी होता है वो रंगीन हो जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। इसको हम जल स्फुटन कहते हैं या प्रस्फुटन कहते हैं। वाटर ब्लूम्स जल प्रस्फुटन। सामान्य परिस्थिति में थोड़ा बहुत शैवाल पानी में पाए जाते हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हो जाने पर उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। ऐसा देखा गया प्रायः जो रुका हुआ पानी होता है जहाँ पर और गर्मी जहाँ अधिक होती है वहाँ पर साउथ इंडिया में खास करके देखा गया श्रीलंका में मंदिर के कुंड वगैरह जो होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो शैवाल ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं या शैवाल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उसकी वजह से जल स्फुटन होता है। भारतीय समुद्र में जैसे ट्राइकोडेसमियम आरिथ्रियम है, ट्राइकोडेसमियम थीबॉटी है, ये पाए जाते हैं, ये जल स्फुटन कॉज करते हैं। कुंड है, छोटे छोटे पानी की बॉडीज़ हैं, पोखर हैं, कच्चा पोखर है, उनके अंदर आपको नॉस्टॉक, एनाबिना, माइक्रोसिस, ग्लियोट्रेकिया, राइवुलेरिया, ऑसिलेटोरिया के स्पीशीज, लिंगबिया, ये सब मिल सकते हैं। इनमें से किसी में कोई अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आपको मिल सकते हैं और इनकी वजह से सामान्यतः जल जो है वो पीने लायक नहीं रहता है। तो कोई बहुत सारे फाइब्रल इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो जाल जाल सा बन जाता है, पानी साफ नहीं लगता। इनका दिन के समय तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन रात के समय पर इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो रात में फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाते क्योंकि लाइट नहीं है, तो रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें बीओडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने से कंपैरेटिवली अन्य जो जीव होते हैं या अन्य जो वहाँ पे प्रजातियाँ दूसरी पाई जाती हैं उनसे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा को अवशोषित करते हैं, काम में लेते हैं और तो वातावरण में आसपास में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो दैट अब यह कम जब कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये क्या करेगा, दूसरे जो जीव हैं उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, छोटे छोटे जीव हैं उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, वो रेस्पायर नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। कई बार जो उनके गिल्स होते हैं उसमें इसके फिलामेंट्स फंस जाते हैं तो सो द फिशेज जो हैं वो सांस नहीं ले पाती, ब्रीद नहीं कर पाती हैं तो मर जाती हैं। ये साइनोबैक्टीरिया साइनोटॉक्सिन्स भी सिक्रीट करते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं। कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनसे कि बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है, कुछ ऐसे जिनको बोलते हैं अतिशीघ्र मृत्युकारक, कुछ ऐसे होते हैं शीघ्र मृत्युकारक, कुछ ऐसे होते हैं शनि मृत्युकारक, मतलब टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी भी वेरिएबल होती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो डेथ का टाइम है कि भाई कितने देर में इनका डेथ हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, वो भी फ़र्क फ़र्क होता है। डेथ के कारण डेथ कॉज करने के अलावा ये कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर होता है, कुछ समय तक एक्सपोजर होता है तो त्वचा में खुजली हो जाती है। ये खास करके स्विमर्स जो होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में स्विम करते हैं, या अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है स्विमिंग पूल तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया इस तरह की परिस्थिति कॉज करते हैं वो है लिंगबिया है, ग्लियोट्रिका है, एश्किनुलेटा इकाइन्यूलेटा, ग्लियोट्रिकिया इकाइन्यूलेटा। ऐसे ही अगर गलती से पानी पीने में आ जाता है, क्योंकि ये तो अगर आप कपड़े से छानते हैं तो पानी में इनकी उपस्थिति हो सकती है,
उस केस में सिंगल सेल जो होते हैं माइक्रोसिस्ट जैसे बहुत छोटा है, तो ये आंतों के विकार इसके कारण से हो जाते हैं। कई बार जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वहाँ पे वाटर बॉडीज में पाइप्स में उनका फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती क्योंकि टॉक्सिन का सिक्रेशन होता है, उनका स्मेल बड़ी अजीब सा हो जाता है, तो आप पानी पीने लायक नहीं रहता। टॉक्सिन जो है और ये फिलामेंट्स का प्रेजेंस है, ब्लॉकेज है, ये सब जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका रिक्रिएशनल मतलब उनका जो हम जो आमोद प्रमोद का जो वैल्यू होता है वाटर बॉडीज़ का उसको भी कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमर्स फिर स्विमिंग नहीं करेंगे अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, फिशिंग नहीं होती है, अगर वाटर बॉडी की स्मेल ख़राब है तो लोग वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते, तो इस तरह से भी एक दूसरे तरह का भी नुकसान इनकी वजह से होता है। ये जब पानी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो सनलाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं, कंपैरेटिवली लोअर जो लेयर्स होती हैं पानी की उसमें सनलाइट कम जाती है, तो जो दूसरे एल्गी होते हैं वो भी नहीं ग्रो कर पाते हैं अच्छे से, बिसाइड फिर उनकी डेथ हो जाएगी जब वो ढंग से नहीं ग्रो कर पाएंगे तो उनका डेथ होगा, तो वो फिर से पिट्रिफिकेशन को कॉज करते हैं और उसकी वजह से पानी की स्मेल जो है वो ख़राब हो जाती है, कुछ प्लांट्स मर जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं दूसरे रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, छोटे फिशेस की डेथ हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा साइनोटॉक्सिन्स जो हैं एक तरह से बहुत पावरफुल नेचुरल पॉइजन्स हैं, और इंटरेस्टिंगली आप वाटर बॉडी को देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाटर बॉडी है इसमें साइनोटॉक्सिन्स की उपस्थिति होगी या नहीं होगी, तो उस पानी को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं एनिमल्स या दूसरे लोग तो बड़ी मुश्किल हो जाती, बीमार हो जाते हैं, और उनका रेमेडी भी हमको ऐसा कुछ अच्छे से इसके बारे में ज्ञात नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड एल्गल ब्लूम्स को हमको प्रिवेंट करना चाहिए। वन ऑफ द कंडीशंस जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एल्गल ब्लूम्स को या वाटर ब्लूम्स को, इसमें हम जनरली क्या होता है जब आसपास के एरिया में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली वो एक्सेस फर्टिलाइज़र जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है वो पानी के बाह्य जल के द्वारा जो बह करके पानी आता है वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, और उनका जो मिनरल कंटेंट है वाटर ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है, और ये एल्गल ब्लूम्स को या वाटर ब्लूम्स को हेल्प करता है बढ़ने में ये, और ये जो साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से फिर ये एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स डेवलप हो जाते हैं। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर यूजेस करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें, कंट्रोल यूजेस करें, या स्लो जो रिलीज़ करते हैं मटीरियल्स मिनरल्स वगैरह इस तरह के वो यूज़ करें तो शायद इसका बेनिफिट हो सकता है। सो ये थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ के बारे में, एल्गल ब्लूम्स के बारे में, और इसके बारे में ये शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं तो आप इनको देख सकते हैं थोड़ा सा।